नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडिजेट। यूपी के बलिया में दिन दहाड़े हौसला बुलंद बदमाशों ने युवक को दौड़ा कर मारी गोली। यूपी के बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में दिन दहाड़े हौसला बुलंद बदमाशों ने दौड़ा कर युवक को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया और दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी जांच में जुटे। नारायणगढ़ गांव निवासी भूपेंद्र पटेल उम्र 42 वर्ष शुक्रवार की सुबह लगभग 7 बजे दुर्जनपुर मिल्क डेयरी फार्म पर दूध देकर वापस अपने घर लौट रहे थे कि प्राथमिक विद्यालय दुर्जनपुर के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर फायर झोंक दिया। भूपेंद्र पटेल जान बचाने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ भागे, तभी बदमाशों ने दौड़कर सिर में गोली मार दी। सूचना पर रेवती पुलिस व बैरिया सीओ के साथ आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। फिल्मी स्टाइल से दिन दहाड़े युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। समाज एडिजेट के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। जी सर, एक दुर्जनपुर में घटना हुई है, क्या घटना है, क्या डिटेल है? भूपेंद्र पटेल जो नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, रोज दुर्जनपुर डेयरी पर दूध देने आते थे। आज सुबह भी वह दुर्जनपुर डेयरी पर दूध देने के लिए आ रहे थे, जो बदमाशों द्वारा उन्हें खदेड़ा गया और गांव दुर्जनपुर में आकर के उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में समस्त विधिक कार्यवाही की जा रही हैं और शीघ्र ही समस्त कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी।